पता है ऐसे फोटो एडिटिंग बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैं बताऊंगा ऐसे एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो आप अमृत मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आपको सबसे पहले ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च पे दबा देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद बिग इमेज करेक्टर पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर बिग इमेज करेक्टर फ्रॉम पे क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक कर दिया मैंने। इस पे क्लिक करने के बाद ये पर आपको कुछ डालना पड़ेगा, तो मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अपना जो नाम है वो आप लिख देना। तो मेरा वहाँ पर आयुष लिखा रहा है, वहाँ पर हम कट करके अपना नाम लिख देते हैं दिनेश। तो मेरा नाम है दिनेश, तो मैं लिख देता हूँ अपना नाम। तो मैंने लिख दिया अपना नाम, तो बनाए पे दबा देता हूँ। तो आपको थोड़ा 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा गाइस आपको। अगर जहाँ तक बनता है वहाँ तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस। तो वेट करो गाइस। वेट करने के बाद गाइस ये हमारा आ गया है फोटो। तो अपना जो फोटो है वो आपको क्लिक कर देना है। तो मेरा जो फोटो है मैं आपको वो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया, तो इसको मैं अपने डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके डाउनलोड। फिर आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चल जाना है, बैक चल जाना है मतलब। इससे इस पर बैक जाने के बाद आपको ये स्टेप लिखा रहे होगा, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और अपना फ़ोटो पे दबाना है फिर नया। तो मेरा जो फ़ोटो है वो अपना मैं अपने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। और ये इंस्टाग्राम की रेस से मैं कर लेता हूँ। फिर अपन को धुंधला करना है, तो मैंने ये धुंधला कर लिया, दूसरे को धुंधला से कर लिया। फिर अपने राइट पे दबा देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको दबाना है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा करने के बाद आपको दबाना है सेव। तो सेव हो गया है ये मेरे, इससे मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। इसे बैक आने के बाद फिर आपको जाना है सुपर वीपीएन को ओपन करना है। सुपर वीपीएन को ओपन करने के बाद गाइस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको खोज रहा है। तो ये विज्ञापन आ जाता है, इसको डिलीट कर देते हैं। को दबाना है कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये कनेक्ट आ जाएगा। तो कनेक्ट आ गया है मेरे। तो फिर आपको जाना है अपना टेलीग्राम को। तो मैं टेलीग्राम के लिंक आपको बायो में दे रखा है। फिर आपको जाना है ऊपर और ये वाला क्लिप कर देना है। क्लिप करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद गाइस अभी आ रहा है, ये आ गया है हमारा। तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, मैं दूसरे को ओपन करूँगा, मैं नीचे वाले को ओपन करूँगा। तो मैं इसको अनुमति दे देता हूँ। और यूज़ टेबलेट का फ्लिपकार्ट, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको कट टच कर लेते हैं। तो ये थोड़ी देर में जा चुका होगा, ले जा रहा है। तो वैसे हमारा जाने में थोड़ा देरी कर रहा है। तो ये का फ्लिपकार्ट में चल चुका है। तो इसको ये चल चुका है गाइस। तो आपको दबाना है फिर यूज़ टेबलेट पर। यूज़ टेबलेट पर क्लिक करना है। यूज़ टेबलेट पर क्लिक करने के बाद जो अपना फ़ोटो डाउनलोड किया है वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया वो फ़ोटो जो मैंने डाउनलोड किया। तो मैं नेक्स्ट पे दबा देता हूँ। थोड़ा वेट करने के बाद ये नेक्स्ट से चल गए अपने वीडियो के साथ में। तो ये हमारा वीडियो हो चुका है गाइस एडिट। तो गाइस आप भी सीख सकते हो ऐसे एडिट करने के लिए। तो आप हमारे टिप दिनेश 450 वाले आईडी को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर देना गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे से आगे शेयर करना। तो ये हमारा वीडियो सेव होने वाला है। तो थोड़ा देर बाद हमारा वीडियो सेव हो गया है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो ये वीडियो हो गया अपना सेव। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पुराने हो तो चैनल को वीडियो देखा पूरा और सीखो ऐसे एडिटिंग करना।